वो नाम उनके देने से क्या होता है? उन्होंने तो सीएनआरसी के उसको आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, यहाँ पे अभी सैनिक गए हैं उनका उनके आंदोलन को भी राजनीति का नाम, राजनीति का नाम वो देने उनके पास और तो कुछ है नहीं। बेशक वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दें, लेकिन वो सिर्फ नारे हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो उन्हें कोई फर्क इस बात से नहीं। इस बीमारी की जो जड़ है, जो कैंसर है, उस कैंसर का ऑपरेशन करना जरूरी है और वो है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। वो नाम उनके देने से क्या होता है? उन्होंने तो सीएनआरसी के उसको आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, उन्होंने तो किसान आंदोलन को भी राजनीति का नाम दिया था, यहाँ पे अभी सैनिक गए हैं उनका उनके आंदोलन को भी राजनीति का नाम, राजनीति का नाम वो देने उनके पास और तो कुछ है नहीं। और दूसरी बात यह है कि तुम जो चाहे नाम दो, लड़ाई सरकार से ही है ना, राजनीति से ही है ना, तो आपकी मर्जी है जो नाम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीनबाग के लोग, ये सारा आरोप लग रहा है। अरे इससे बुरा भी कुछ आरोप हो तो वो लगा ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप आंदोलन में क्या क्या कहा था? आतंकवादी कहा था, खालिस्तानी कहा था, और उन्हीं के सामने फिर प्रधानमंत्री ने घुटने टेके थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या नाम दे रहा है। बल्कि ये नाम देके वो अपना ओछापन दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देश की बहन बेटियों के सामने बहन बेटियों की कोई इज्जत आबरू उनके लिए नहीं मायने रखती। बेशक वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दें, लेकिन वो सिर्फ नारे हैं। सच्चाई ये है कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ भी हो रहा है तो उन्हें कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता। लेकिन जितने बड़े आंदोलन हुए भाजपा सरकार में, किसान आंदोलन में थोड़ी बातें मानी गई, बाकी सारे कुचल दी गई, कोई बात नहीं मानी गई आज तक। इसलिए देश के सभी लोगों को मिलकर आंदोलन करना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि ये जो आंदोलन अब शुरू हुआ है, ये आंदोलन देश के कोने कोने में पहुंचना चाहिए, और यहाँ की बजाय यहाँ के साथ साथ देश के हर जिले में ये आंदोलन होना चाहिए। और इस आंदोलन में हर समाज के व्यक्ति को, हर संगठन को, हर किसी को साथ देना चाहिए। जैसे किसान संगठन है, जैसे मजदूरों के संगठन है, जैसे बेरोजगारों के संगठन है, जैसे स्टूडेंट्स के संगठन है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी महिला संगठन हैं, यानी जितने भी तरह के संगठन हैं, सबको इस आंदोलन में जो जहां है वहीं आंदोलन करना चाहिए। और फिर बता रहा हूं मैंने ये बात किसान आंदोलन में भी कही थी, अभी भी बता रहा हूँ, जब तक इस सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ कर आप नहीं फेंकोगे, आपके सामने, देश के सामने ये समस्याएं एक एक करके आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, लगातार आती रहेंगी। इस बीमारी की जो जड़ है, जो कैंसर है, उस कैंसर का ऑपरेशन करना जरूरी है और वो है बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। और फिर बता रहा हूँ, बीजेपी को आप उखाड़ नहीं पाओगे जब तक ईवीएम को नहीं उखाड़ पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई पूरा देश करेगा, फिर इनको उखाड़ा जाएगा और तभी देश बच पाएगा, अन्यथा बचेगा। लेकिन आप आप देख सकते हैं यहाँ पे साक्षी मलिक और बेनिस फोगाट हैं, आप देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन जारी है चारों तरफ, आप देख पा रहे होंगे वीडियोस में, फोटोज में। बात करने की कोशिश करेंगे अगर बात हो पाएगी तो, आप देख पा रहे होंगे वीडियोस में। अरे छोड़े हो जाओ, छोड़े छोड़े फैल जाओ, पीछे पीछे फैल जाओ। अरे गाइस एकदम पीछे को गैप बना पूरा, मेरा छोटा बना के तो पीपल के तले ले जा भाई, वाइट वीट लेनी है तो पीपल के तले थोड़ा छाया में, छाया में ले लो, क्या छाया है इसमें, छाया में खड़े करियो, जाओ जाओ आगे जाओ। घंटे हो गए मुझे इतनी खुशी है, मैं तो भाई आरोप लगा रहे, जब कोई ऐसा आरोप लगा रहे, वे आरोप लगा रहे, कोई अपने पुलिस थाने को बोल, लड़ाई लड़ेंगे अभी एक घंटे बाद, एक घंटे
अभी आ जाओ।